बात तो सही ना है भाई, जितना राहत देना संभव हो सब न करेगा, राज्य में भी करेगा, केंद्र भी करेगा। तो जब पिछली बार तो केंद्र ने किया और उन लोगों ने ही कहा सब राज्यों को, तो उसी समय हम लोग किए। तब आगे भी अगर ये रेट बढ़ गया है तो केंद्र जब तय करेगी कि हाँ इसको और घटाना है, अब फिर आएगा तो राज्य भी करेगा, देखेंगे हम लोग भी देखेंगे। लेकिन रेट तो अभी बढ़ गया है ना भाई, लेकिन पिछले कई सब काफ़ी समय से कंट्रोल में है, अभी इतना तेज़ी से नहीं। पेट्रोल डीजल वाला जो बढ़ा था तो फिर तो थोड़ा एक खास पर है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है। लेकिन कुछ कारण तो है ही ना भाई, अरे ये तो कोई अपने ही यहाँ सब चीज़ नहीं ना है भाई, बाहर से आता है। तो जब बाहर से आवेगा तो रेट का तो असर पड़ता है। तो जितना भी कुछ चाहिएगा कि सब चीज़ बिल्कुल सही रास्ते में हो जाती संभव है, बीच बीच में तो कई तरह की कठिनाइयाँ आती ही हैं, तब ये तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। लोगों को तो पैसा ज़्यादा लग रहा है, अब गाड़ी चलाते हैं तो डीजल का या पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, तो हम लोग तो घट करके दिए थे राज्य की तरफ से। तब इस पर बात होगा तो फिर जैसा भी केंद्र सरकार की तरफ से जो होगा कुछ घटाने की बात होगी, काहे नहीं करेंगे, जरूर देखेंगे हम लोग भी, विचार करेंगे। अभी अब कोई बहुत दिन हुआ, अभी हाल ही में ना कुछ साल, कुछ ही महीना पहले ना किए हम लोग कोई बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर बढ़ गया। तो जो भी होगा सब पर ध्यान है हम लोग का, हम लोग मिलजुल करके ही कोशिश करते हैं, लगे हुए हैं, सब तरह का देख ही रहे हैं। और हम लोगों को तो अब जान रहे हैं कि अब ये जो महीना है तब तो हम लोग फिर अगले आगे जो आपदा की स्थिति है, अब उसके लिए भी तो आगे का भी 4 महीना तो आप जानते हैं ना कि हम लोग सारा ध्यान उसी पर केंद्रित करते हैं। तो उसके लिए भी अभी कुछ दिन के बाद हम लोग बैठक करेंगे।